तुम्हारी कॉन्फिडेंस ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम्हें देखो कभी कभी अब ज्यादा कमाने के चक्कर में, नाम कमाना, पैसे कमाने के चक्कर में अगर तुम्हारी बैंड बज जाए तो दूसरा जो तुम्हारा चैलेंजर है वो तुम्हारी बैंड बजा दे तो फिर क्या करोगे? मुझे पूरा विश्वास है बैंड नहीं बजेगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे पे विश्वास रखेंगे। विपुल, आपका कॉन्फिडेंस तो काबिले तारीफ है, पर इसका असर आपके कुछ कंपेटिटर्स पर कितना है उनके हिसाब से आप कहाँ ठहरते हैं आपको अभी दिखाते हैं। प्लीज कम। पिछले बार हमने बहुत ही अच्छा किया था, फराह खान ने कहा था कि लास्ट ईयर फ्राइडे फिनाले का विनर विपुल था, उससे 6 टाइम बेटर हो। और इस बार हमें चैलेंज के लिए बुलाया गया और हम कहते हैं कि उससे इस बार और भी अच्छा करेंगे। विपुल सॉरी। नहीं नहीं सॉरी नहीं, देखो उन्होंने कह दिया था कि तुमसे 6 टाइम बेटर किया, अभी तो आज तुम 12 टाइम बेटर करके बताओ। अरे क्योंकि वो लोग 6 लोग थे यार, इसलिए। तो इससे क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, टैलेंट की कदर होती है और टैलेंट से फर्क पड़ता है। Not about the quantity, it's about the quality. विपुल को चैलेंज करने वाले खिलाड़ियों को बुलाते हैं, प्लीज वेलकम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। अभी आप आए हैं हमारे जबरदस्त चैलेंजर, आपके यहाँ विपुल खड़े हुए हैं, आप लोग कुछ कह रहे हैं इनसे? बड़ा मैम, पिछले बार आप ही ने तो कहा था कि हम विपुल से 6 टाइम बेटर है, पर हम इस बार तो 9 जन और हम इस बार 9 गुना बेटर होंगे और हमें पूरा भरोसा कि हम ग्रैंड फिनाले जाएंगे। बोलो विपुल, बोलो। इन नौ ने जितने मेडल जीते होंगे उतने मैंने अकेले ने जीते हुए हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट तुम लोग 9 हो, एक विपुल से हार गए तो क्या मुँह लेके घर जाओगे? हमें इस बार पूरा भरोसा है कि हम ग्रैंड फिनाले में जाएंगे। क्यों हम लोग जाएंगे ना? अभी एक का फैसला हो जाएगा, कंगना एक चिट निकाल, जिसका नाम कंगना निकालेगी अभी से उसको सैश पीना दो भाई। अच्छा तो आज सारा का सारा लक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के साथ। तेरे साथ इरफान है। देखिए आज जरा हाँ, मेरा उत्साह जो है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है मेरा, क्योंकि मेरा स्कोर 0 है। साथ में दोनों okay. साथ में और हीरो काफी इरफान भाई हीरो होता है। हाँ बस एक तू उसके पीछे नंबर लगाता चल, मैं 0 हूँ तू नंबर लगाता चल, बस हीरो हीरो हो जाएगा। चलो फिर गोंगू, चैलेंज शुरू किया जाए। जीत हो उनकी हार है, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो कल को अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह मिला थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली उठी, पांचों मिली थे कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कुछ सुन हारेंगे हिम्मत का रास्ता हम जब बिछाएंगे अब सो गुड, बहुत मजा आया, सुपर्ब। लेकिन विपुल,
कॉन्फिडेंस अभी तक तो है कि थोड़ा शेकन? नहीं नहीं बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है. रियली? या इस एक्ट के बारे में आपको एक बुराई? कुछ आसन्स में परफेक्शन नहीं थी, बट ओवरऑल इट्स एन गुड एक्ट. ऑलराइट. आपको लगता है कि अगर आप ये एक्ट में शामिल होते तो आप क्या बेटर करते? इस पे काफी कुछ और हो सकता था जो ये लोग नहीं किया इन लोगों ने. अब पता नहीं क्यों नहीं किया. मेरी किस्मत ऐसी है जो जो ही आता है ना उसका बोलने का पावर बहुत होता है. तेरे को काय की जरूरत है बिल्कुल? ऐसा क्या तेरे को प्रॉब्लम है? एक तीर तीर उड़ा है उसको अपनी तरफ काय का मोड़ है तू? वो बोल रहे एका बढ़ता ही जावे. चले चलो चले चलना उनके साथ. नहीं नहीं मैं अकेला काफी हूँ इन सब के लिए सर. चलो क्वीन खान आपको कैसा लगा ये आज? यार विपुल ने तो कहा कि तुम लोग परफेक्ट नहीं थे, लेकिन मुझे तो तुम लोग ऑलमोस्ट परफेक्ट लगे. क्योंकि थोड़ा बहुत बैलेंस तो जाएगा. ये पूरा प्रॉप हिल रहा था. कहाँ कहाँ स्टूल पे और पता नहीं कहाँ कहाँ बार पे स्टडी भी नहीं है. ग्राउंड पे भी नहीं कर रहे थे, मिड एयर में कर रहे थे. और ऐसे ऐसे आसन किए. कंगना मुझे कह रही थी देखने से पहले कि मैं भी योगा करती हूँ. मैं भी ऐसे करती हूँ. कंगना ऐसा कोई आसन कर सकती हो तुम? नहीं मैं भी योगा करती हूँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा किया और बहुत बहुत खुशी हुई ये देख कर. एक्चुअली इन्होंने योगा को इतना ऊपर उठा दिया है. योगा पहले जमीन पे होता था. हाँ. अभी देखो स्टेज है, उसके बाद चेयर है हिलती हुई. हाँ. उसके बाद एक बार है हिलती हुई. फिर मतलब यू नो वहाँ योगा हो रहा है तो कैसे होगा? हिलता हुआ योगा है. आलम पनाजी आपको कैसा लगा? देखो इंसान को ये तुम्हारा एक्ट मैंने देखा तो इंसान को जो होता है कि हर इंसान को सिर्फ अपने आप से प्यार करना चाहिए. पहला और आखिरी प्यार सिर्फ अपने आप से होना चाहिए और अपनी कला से होना चाहिए. जो इंसान अपनी कला से प्यार करता है और अपने आप से प्यार करता है उसका दुश्मन फिर आए बढ़ता है. मेरे हिसाब से आज का जो तुम्हारा परफॉर्मेंस था ये एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया. और खासकर छोटा सा लड़का जो था शायद वो आप थे जो एंड में जो आए और उन्होंने अपने आप को बैलेंस करके जो अपने आप को खड़ा किया. इतना मुश्किल था कि मैं हैरान हो गया आपने कैसे किया. और बैलेंस करना जिस पर आप खड़े हुए थे उसकी ताकत को भी मद्देनजर नहीं किया जा सकता. वो भी कमाल था. इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्ट. बल्कि मुझे लगता है कि अभी विपुल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू कम टू योर लेवल. एंड इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक कॉम्पिटिशन, अ टफ कॉम्पिटिशन. गोंगमन जी चैलेंज शुरू करवाया जाए. और बैक टू उजाला टेक ब्राइट प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा चैलेंज ऑफ वीक. अब थोड़ी देर भी देर करना उस खुदा की नजरों में गुनाह होगा. मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह आज चार चैलेंजर्स ने बाकी चैलेंजर्स को हरा कर 10 अक्टूबर को होने वाले शानदार ग्रैंड फिनाले की रेस में अपना नाम दर्ज करवाया. सुनिए ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. तो ये बरसने वालों में से हैं. ए गुलाबिया के जो तेरी देखी शराबी के दिल हो गया. ओ अभी अभी हुआ यकीन कि आग है. विपुल कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट, यू वन द कॉम्पिटिशन. मगर कैसे वो नहीं मेरा ये मेरा अपना मानना है. मेरे यहां आ चुके हैं, लेकिन ग्रैंड फिनाले में पहुंचने वाले का नाम जानने से पहले बता दें कि कोई और भी है जिसने बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दी थी और इसीलिए जजेस सोचते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस थी सबसे स्पॉटलेस यानी कि परफेक्ट. तो कौन होगा आज का उजाला टेक्नो ब्राइट लिव स्पॉटलेस परफॉर्मर ऑफ द डे? जजेस बता दीजिए वो नाम. ये क्या हो गया ये फॉर्मेट अब जो चेंज हुआ है आज हमारे एपिसोड का कि चैलेंज राउंड है तो उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मर्स भी फुल ऑन नहीं हुए बिकॉज दे वर इन अ चैलेंज विद समबडी हु वाज मे बी मिलीसेकंड मिलीमीटर मिलीमीटर. लेकिन मुझे लगता है कि
उनमें से एक जो फुल ऑन नहीं हुए उनमें से एक परफॉर्मेंस ऐसा था जो ऑलमोस्ट सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस था आज की शाम का. तो हम ट्रेडिशन को ब्रेक करते हुए आज स्पॉटलेस परफॉर्मर ऑफ द डे उस एक्ट को देना चाहते हैं जो इन फुल ऑन्स में नहीं है, और वो एक्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा. मिलेगा तुम्हें ये तुम लोग डिसअपॉइंट होके चले गए थे? नहीं मैम, रिस्पेक्ट नहीं किए थे. हाँ नहीं, हम लोग जहाँ चले जा गए थे. अभी खुश हो? यस मैम, कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है 10,000 रुपए उजाला टेक ऑफ राइट की तरफ से. कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन. थैंक यू सर. बॉयज जजेस, अब आपकी